हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज तो ना ऐसी नींद टूटी टूटी हुई है क्योंकि यशी ने आज 3 बार उठाया मुझे। आज वो बहुत जल्दी उठ गई थी। पहले आई 6 से 7 बजे के बीच में कि उठ जा, फिर आई 8 से 9 बजे के बीच में कि उठ जा, फिर आई 9 से 10 बजे के बीच में कि उठ जा। तीसरी बार में जाके जब वो हार मान के खुद ही वापस जाके सो गई, बोले तो बेशरम ही उठेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा प्लान था आज लखनऊ के जाना है, थोड़ा सा जल्दी निकलने का सोचेंगे, लेकिन जैसा सोचा वैसा हम लोग कभी करते नहीं है, तो कोई नहीं। फिर मैं जब उठा ना 10 बजे, अभी 10:30 बज रही है, मैं 10 बजे उठा तो वो जाके सो गई, बोला चल निकले यहाँ से, मैं कहीं नहीं जा रही। तो फिर मैंने तुरंत पहले लखनऊ को फ़ोन करा, पूछा कि वो घर पर है, तो मैं निकल जाता हूँ। तो अभी घर पर है, वो बोले कि आ जा लेकिन कुछ लेकर आई हो, अब कुछ बताओ गाइस क्या लेके जाऊँ उनके लिए खाने का। खाने का उन्होंने बोला कुछ लेकर आई हो, ऐसे मतलब खाने का तो वहाँ ले जाते, लेते खराब हो जाएगा। क्यों खराब क्या हो जाएगा, 3-4 घंटे में क्या खराब हो जाएगा। पहले सी बता कि वो खाने के क्या लेके जाऊँ। पैक्ड फूड तो बोल सी नहीं थी क्या, उसको केवर वो अभी कहाँ मिलेंगे। मिठाई अरे इधर मिल जाएंगे, होली का वो आ रहा है। हाँ मतलब ऐसे कुछ लेके जा रहा है जो वहाँ पे नहीं मिलता हो, वैसे मिठाई विठाई यार, लेकिन घेवर वगैरह तो मिलते होंगे यार। वहाँ कहाँ से घेवर, अपने जयपुर का है, यहाँ पे मिलते घेवर, यहाँ मिलता है वहाँ नहीं मिलता, देख लेना इधर है शॉप, बढ़िया सी शॉप बता मुझे, फिर वहाँ से लेके जाता हूँ। चलो फाइनली भाई, कितने दिनों से मैं हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कभी उनका टाइमिंग नहीं बैठ रहा, कभी हमारा टाइमिंग नहीं बैठ रहा, और अभी जाके हमारी लड़ाई होगी वहाँ पर, म्यूनसिपल जाम लगाएंगे, मैं उन पर इल्जाम लगाऊंगा, देखते हैं कौन सही बैठता है, पूरी कैलकुलेशन लगाते थे आज। तो फिलहाल अभी नहाते धोते हैं और निकलते हैं जल्दी से। गाइस मैंने लखन भैया और नीतू भाभी के लिए मंगा लिए हैं घेवर, अब कुछ वो लाने का बोल रहे थे, तो घेवर ही बेस्ट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वहाँ पर मिल जाती हैं, ये शायद वहाँ नहीं मिलता होगा, अंदाजे से बोल रहे हैं। तो ये लेके चलते हैं, हम लोग एकदम रेडी, मैं आ चुका हूँ, यशी अपने बैग्स वगैरह शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है इधर उधर इधर उधर, मैं आपको बताता हूँ एक बार। 3 अलग अलग बैग में कपड़े, वो कपड़े क्या अपना सामान रखे, नए वाले बैग में रखा मैंने, तो बहुत भारी है, तो इसके लिए फिर मैं मीकू वाला बैग लेके जा रही हूँ। प्लीज यार मेरा बैग थोड़ा ध्यान से रखना यार, मैं तो वही वाला लेके चली जाऊंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल तुम्हें नया बैग दे रहा हूँ, तुम मुझे बताओ हद है, नया बैग किस लिए होता है, बैग किस लिए होता है, इसकी भैंस की खुली भी रहा। हाँ अभी तक तुमने अनबॉक्सिंग भी नहीं करी थी इसकी, नहीं करी यार। ये वाला बैग आपको दिखा दिया था शायद वैसे तो, ये देखो थैलियां भी नहीं हटेगी, अरे भाई थैली तो नहीं हटेगी अभी थोड़ी सी दिन, पागल है भाई, थोड़े दिन नहीं हटेगी थैली, हटाटा थैली हटा काट दो, काला हो जाएगा मेरा बैग, नया ले लेंगे फिर एक और, इसको हटा दे थैली को हटा दे, पागल थैली लगा के कौन घुमाता है बैग को, टैग तो हटा नया, हां ये तो टैग तो हटा, क्या कैची यार ये नहीं टूट रहा मेरे से, ले रुक जा देख मैं बताऊं, मेरी पुरुष ऐसे आई भी इनकी भी अनबॉक्सिंग करूंगी। अब आप गए, ये नहीं टूटेगा बंद और टूट, ये भी हटा दूं क्या, एसएम, हां हटा दे हटा दे, एसएम का मतलब क्या हुआ, स्टीव मेडल, स्टीव मेडल भाई थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी में तो रखना है आपको। अच्छा पता है इसने पहले सबसे पहले इसमें सामान डाला, फिर हमने बोला दूसरे बैग में डाल दो, इसमें डाल दिया, अब हमने बोला कि ऐसा कुछ टांगने वाला ले ले जिससे इजी रहते हैं, लिए पिटेगा क्या भाई, नाजुक ना ले, ये ले हो, चलो निकले लेट हो रहा है, मतलब गाइस अब तुम लोग जा रहे हो, सुबह मैंने ये तो बताया नहीं तुझे, तू मैंने देखो 3 बार उठाया, 6 बजे 8 बजे 10 बजे बता दिया, अरे यार ये तो आलसी है गधा, हीरोइन बन रही है एक दिन जल्दी उठ के, आपको पता है ना सबूत, 2 दिन से उठ रही हूँ, 2 दिन से उठ रही है, 2 दिन ही उठ पाएगी, ओए मेरे को चैलेंज कर ले, इसको बंद कर ले और चले, मस्त रहेगा यार ये, हाँ मस्त है, सबसे पहले पसंद यही आया था तेरे को, आया था वो तो वीडियो कॉल पे तो हम लेकर आए, मेरा हमें तो मुझे, नहीं आया था, मुझे भी अच्छा लगा, हाँ, था मुझे पसंद आया था यार, इस दुकान में सबसे सही बैग यही लग रहा था यार, अरे हाँ मेरे को तो यार ट्रैवलिंग के हिसाब से चाहिए था, आ गया, ओए कूल लग रहा भाई, कूल लग रहा है, ले चल अभी निकलते हैं अपन लोग, चलो क्योंकि 4-5 घंटे हमारे को पहुंचने लगेंगे, और इन लोग की है छुट्टी, छुट्टी छुट्टी, एंजॉय करो गाइस, सिर्फ मैं और यशी जा रहे हैं, निकलते ही हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं स्टारबक्स, लग रही है बहुत ज्यादा, तो ब्रेकफास्ट कर ले फिर निकलते हैं यहाँ से आगे, इसका ब्रेकफास्ट मेरा तो ये है, ये और ये कॉफी और केक, ये कैसा ब्रेकफास्ट हुआ, ये देखो इसे ऑन द वे टू नोएडा, और कहीं रुके हैं तो कहाँ रुक सकते हैं हम लोग, यहाँ उसको बार बार लगती है तो हर स्टॉपेज पे रुकवाती है कि वॉशरूम जाना है, अब पानी नहीं पिएगी, अब सीधा लखनऊ के घर पे रुकेगी गाड़ी, वैसे ये हाईवे काफ़ी बिजी हो गया, पहले हम लोग जब जाते थे तब इतनी भीड़ नहीं होती थी, तब तो फुल पैक है, और यहाँ पर बर्गर किंग मैकडी ये सब भी ओपन हो, पहले हम लोग यहाँ से जाते थे तो ऐसे सोचते थे यार यहाँ कुछ रेस्टोरेंट वगैरह कुछ बने हैं तो हम लोग कुछ रुकें खाने पीने के लिए, कभी भी प्लान नहीं रखते थे कि इस हाईवे पे कुछ खाएं या रुकें, और लेकिन अब बर्गर किंग भी खुल गया, मैकडी भी खुल गया, और भी होटल्स बन रहे हैं साइड में, तो बढ़िया हो गया भाई हाईवे, तभी इतना बिजी भी हो गया ये। ओके दोस्तों, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लगन भाई के घर,
पहुंचते पहुंचते शाम हो गई यार। पता नहीं आज गूगल मैप से मैं कहां से लेके आया, मेरे को समझ में ही नहीं आया। गलत कट नहीं हुआ सूरज, उसमें कहाँ गलत कट दिखा रहा था, वो तो सही दिखा रहा था। कोई ना कोई बात नहीं, हो सकता आगे कहीं जाम हो मेन हाईवे पे। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। यस, और बहुत टाइम बाद आया यार। कब आए थे लास्ट अपन, याद है? अपन आए थे लैक्मे फैशन वीक के उसमें, लखन भैया के साथ में उनकी गाड़ी में बैठ के आए थे। हाँ, तो काफी टाइम हो गया उसको, तो काफी यार हम लोग को ढंग से बैठे बात के बहुत टाइम हो गया। जाना कहाँ है, मैं तो भूल गया। हाँ, गोल्फ कोर्स आ गया और ये बूमरैंग आ गया। ओके ओके ओके, याद है यार, हमें याद है, मुझे याद है, इसको ये भूल गई थी। सही बात है, लेकिन मैं बोले तो है, मैं नीचे आ गया। अभी देखते हैं कौन किससे लड़ता है। आज सारे इल्जाम लगा दो उनके ऊपर। क्या आपको पीली शर्ट में, सॉरी पीले क्या पहना है उन्होंने, पीले हुडी में, पीले हुडी में कोई लड़का दिख रहा है, पीले हुडी में कोई लड़का दिख रहा है। भाई साहब पार्किंग किधर है ये पार्किंग? भाई साहब पार्किंग बताओ ना, पार्किंग किधर है? क्या पार्किंग इधर है? पार्किंग मिल चुके हैं हमें। अरे यार पार्किंग तो है नहीं, ये रही ना आगे इसके बीच में। बस ठीक है, अब देखना दो दो लोग एक साथ बनेंगे। भैया आप भी यहीं रहोगे क्या? से वो नहीं है लखन रावत नीतू भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, आप भी यहीं रहोगे क्या? इसी में रहते हैं क्या? जाने दो यहाँ से। अरे इधर ही है भाई, वो आ जाओ, मिलवाता हूँ आपको यार। चलो मिलवा दो, साथ में बैठ के चाय खिलवाऊंगा। चाय खिलवाऊंगा, कैसी है, कैसी है, कैसी है, एकदम बढ़िया। दबा दो इसका? नहीं नहीं यार, और मेरा दबा लो, इससे बढ़िया था। कम अभी कैमरा ऑन है, अभी कैमरा ऑन है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत पतले हो गए हो। पतला हो गया? बहुत पतली हो गई। मैं डाइटिंग वाला चार्ट शेयर कर दूंगा आपको। आप तो डाइटिंग वाला चार्ट सिर्फ आपको दिन में। भाई देखो गाइस, ये ना मेरे से गले नहीं मिले, देखो किससे? मुझसे। अबे तुम दोनों ने मैचिंग करी हुई है भाई? हां मतलब हो गई अपने आप। कैसा यार? एकदम बढ़िया, भाई सुन, तू इतना स्ट्रांग है, तेरे को मैं दबा नहीं सकता। उसको तो मैंने ओवर पावर कर दिया। ये कमजोर हो गए भाई। मैं अपना डाइट चार्ट शेयर करूंगा आपको दिन में। कमजोर किसी को होना नहीं है। 10 घंटे में 10 घंटे स्ट्रेस लेना अगर आपको कम करना है। नहीं नहीं नहीं, चल भाई सामान निकाल, सामान निकाल, चल सामान कहेगा किसका मतलब? अच्छा हां हां सामान तो है पीछे बैग। निकालो निकालो भाई, निकाल रहा हूं ये ले। अरे ये इनके लिए थोड़ी लेकर आए हैं अपन लोग। सही क्या? आ जाओ, ये मैं आपके लिए थोड़ी लाया था। आओ मालिक टिप दे देना मेरी। आओ गाइस ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन के ब्लॉग में, देखना डबल ब्लॉगिंग चलेगी। चल जा ये तक कर। अच्छा हां देखो दिमाग में या निकलते बोलिए कि पहले मेरी बात करा देना। अरे यार पहले ही बात करूंगा। हां हेलो, हाँ जी कौन? सूरज की माता जी बात कर रही हैं आप? मैडम ये ओवर स्पीड कर रहे हैं गाड़ी को। अरे डराओ मत इनको। अरे लगन भी है, लगन भी है, लगन भी है। हेलो हेलो, कैसे कैसे माता? हेलो गाइस, हाउ आर यू? नमस्ते भाई। अच्छा माते ठीक है माते, और बताओ। अरे नाराज क्यों? अरे दो थप्पड़ मारे बच्चे। दोनों मैच कर रहे हो? दोनों मैच कर रहे हो। मेरे बालों को देख के मेरे और भाई की सेम सीन हुई। फोन पे किस कर दो जल्दी से, अगर आप गुस्सा नहीं हो। अच्छा करो, आवाज नहीं आई। आ गई तीन चार कुछियां करी उन्होंने फोन पे मेरे पे, तो अब वो नाराज नहीं है मेरे से, अब मैं मान गया। यार ये कितना ज्यादा, कितना ज्यादा। आ जाओ कितने टाइम। हां सब बढ़िया। नहीं करो, बैठने दो उनको। अरे यार ये एक तो हर बार आता हूं ये घर ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। ले जाओगे? अरे बात ऐसे मत बोलना। भाई, कैसे हुआ? कम से कम 1.5 मिनट नॉनस्टॉप गाली सुनाई। भाई तू कुछ गए? मैं निकला हूँ, मुझे ये नहीं बोली कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा पहुंचते मेरी बात करा दियो। अरे तो भाई मेरे नंबर पे गाली खिलवा दे, कम से कम अकेले में तो खाऊंगा जाके। यार तेरे फोन मान लो स्पीकर पे होता फोन, फिर है? तो फिर तो मैं रिकॉर्ड ही कर लेता। यार भाई घर चेंज कर दिया पूरा का पूरा आपने। हो गया यार सूरज, तेरी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी हो गई यार। हैं अपन दोनों की सेम हो गई, अपन दोनों की सेम हो गई। सुन ना थोड़ा सा ये जो कान पे आ रहा है ना, इसको हल्के से ठीक करा ले। हां ये कट हो गया भाई, ऑलमोस्ट सेम है यार अभी। हां अबे कितना कॉपी करेगा बे। मैंने वीडियो कॉल पे सुबह उसको अपनी हेयर स्टाइल दिखा दी, तो देखो आज वैसी बन के आया। भाई 2 महीने से इसने मेरी ये हेयर स्टाइल कर रखी है। किसने? गाइस मैं तू ये काम भी करने लग गई अब? हाँ ये मेरे क्या कितना लेती है घर कट का? लेती हूँ और जो मिलता है।
बहुत बोली है भाई, भाई बस तूने मेरे से मैच नहीं करा, देख तू मैच उससे करके आता है यार। इस चीज में मैं आपसे मैच नहीं करता। बींदड़ी का मतलब क्या होता है? बींदड़ी मतलब आपकी बहू, आपकी वाइफ। वाइफ, अच्छा ठीक है, नहीं तू मेरी बींदड़ी। अच्छा मम्मी बोल रही होगी, वो कह रही है, कह रही है दादी कब बना रहा है। अब मैंने कहा यार इन सवालों से मैं कब तक बचूं। तो अब दादी कब बन रही है मैं कैसे बताऊं? अब ये तो जल्दी बनेगी दादी। फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ऐसा कुत्ता देखा तूने कहीं? हाँ देखा है अभी, देख लिया। भाई भाई सबको मोड़ देंगे तो यार, आपने बोला था इतना बड़ा नहीं होगा। नहीं यार मुझे भी नहीं पता था, जिसको देख के मंगाया था ना उन्ना, वो इतना सा है भाई, इसने उसको ओवर पावर कर दिया यार। उस दिन हम दीदी के ससुराल गए, हाँ वहीं देख के तो लगा था कि कैसा लाना चाहिए। किया भी है। अबे कौन सी मस्टैंग? मस्टैंग चलानी है तो बोलते तो मैं लिया था। अरे भाई मेरा अकेला है दोनों, देख मतलब जयपुर से इनमें अकल, देख कहीं गाड़ी में पंचर हो जाए कुछ हो जाए तो क्या यशीश धक्के लगवाता भाई। फिर हंसरी हंसरी मेरे ऊपर। अरे गाइस पता है क्या सीन है, मैं बता रहा हूँ क्या सीन है भाई। आपने एक बार क्या बोला था मुझे कि ना ऐसे बाल बनाने में टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, वही चीज में मैंने तो बहुत ही मैंने तो छोटे कर, तो पता थोड़े छोटे और करा लेंगे ना, मैं बता रहा हूँ साइड से थोड़े छोटे कराए तो भाई मैंने तो कटिंग कराने का भी टाइम बचा लिया, जाता ही हूं नॉर्मल यूं कुछ पता ही नहीं चल रहा। हां तो पता है, नहीं ना टाइम मिल रहा है ना, चल इतना बिजी नहीं हुआ, चल ठीक है। भाई देख क्या लाया है वो, देख मैं कह ही रहा था ये जयपुर से डायरेक्ट आए नहीं कहीं और होते हुए आए। सुन लो ये लोग हमारे पास आते नहीं है, हमारे घर के पूजा भी नहीं है, ये हमें बुलाते नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग करके रखूंगा भाई मैं। कॉल किया मैंने कहा भाई घर का पूजा है, दस बारी कॉल करो। नहीं उस टाइम ये हमारा था नहीं, उस टाइम इमरजेंसी हो गई थी मैं समझता हूँ, लेकिन उसके बाद इसने फिर खुद से कॉल किया दो बार आने के लिए, और उस टाइम हम बाहर थे फिर एक बार ये बाहर थे, तो ऐसा हमारा ना वो क्या बोलते हैं योग नहीं बन रहा था। एनिवर्सरी पे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन भाई आपकी एनिवर्सरी के लिए मैं ना अपने क्रूज की ट्रिप कैंसिल करने को तैयार था, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं। मैं क्या बुलाया नहीं एनिवर्सरी पे भाई, देख कुछ ही आ गया से भी बड़ा हो गया भाई ये। भाई तो इतना ही रहेगा। स्टार्टिंग में क्या टेंशन थी कि कहीं डूची इसको हार्म ना पहुंचा दे, मतलब वैसे तो दोनों बच्चे साथ में खेलेंगे। तीन साल की दोस्ती में कितने साल हुए? हाँ जितने साल के, पहली बार हमें पनीर टिक्का मिला है और नूडल्स, लौकी दाल चावल खिचड़ी बन रही थी पिछली बार, तो ऐसे कब खिलाया मैंने यार? पिछली बार साबूदाना खिलाया, अपने हाथों से राजमा बनाया, सामने झूठ नहीं बोलना, एक बार खिलाया सिर्फ एक बार। वो कहता ना घर है ये, तो घर वाले ट्रीटमेंट देते हैं भाई। आज तो बहुत दिन बाद, आज तेरे को मेहमान वाला मिला। चलो बैठो खाना खा लो। चलो गाइस दिस इज कढ़ी, दिस इज चावल। दो घंटे मतलब डेढ़ घंटे बाद ही, डेढ़ भी ज्यादा बोल रहा हूँ, एक घंटे बाद ही खाना लग चुका है भाई। स्नैक्स नहीं था वो, स्टार्टर। हाँ स्टार्टर, सॉरी। तो स्टार्टर के डेढ़ घंटे बाद आता है क्या खाना? नहीं, स्टार्टर के डेढ़ घंटे बाद आया था। सही बता रहा हूँ, मेरे इतने टाइम में जितनी बार भी आया हूँ ना आज तक, इतनी चीजें पूछा ना खाने को नहीं मिली। आज कुछ तो है भाई, कोई बर्थडे वर्थडे था क्या किसी का आज हवे से? इसी वजह से आज मिल गई, सही दिन पे आया हूँ मैं, वरना मुझे मुझे मैं अगर बोल दूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ तो फिर लॉकी टंडा ही बनता है यहाँ पे, भयंकर। राजू भाई मुझे ग्लास दे दो यार एक। चलो खाना खाते हैं, तूने खा लिया खाना? मैं तो खा लिया, मैं गुच्ची के साथ खेल। क्या खा ले यार, मैंने खाया तूने यार। तो बोर्नविटा का दूध पी लिया है, अब आगे हमें तन की मन की सबकी शक्ति कह सकते हैं, नींद और आ रही है तो है? उसमें शुगर ज्यादा था भाई, आपने वो स्टडी नहीं पढ़ी कितना शुगर होता बोर्नविटा के अंदर, बचपन से पीते आ रहे थे। गाइस लाइक कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बहुत दिनों बाद मिले हैं हम लोग तो एक्स्ट्रा लाइक इस चीज के लिए कर दो। और अभी सोने का टाइम हो चुका है, तो गाइस गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।